हेलो दोस्तों, जायके दादी तो किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल राइस। पाइनएप्पल राइस बनाने में बहुत ही आसान और कम चीज़ों से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पाइनएप्पल राइस कैसे बनते हैं और इसकी लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक बाउल बासमती राइस ली हूँ, आप चाहे तो कोई भी राइस ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स ली हूँ जैसे वॉलनट, अखरोट और आलमंड यानी बादाम, बड़े बादाम ली हूँ। नमक, पाइनएप्पल जो मैं बारीक बारीक काट ली हूँ, तेल, जिंजर स्लाइस किए हुए हैं, ये जैगरी है, आप चाहे तो ब्राउन शुगर ले सकते हैं या सिंपल शुगर भी ले सकते हैं या फिर गुड़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश लाल मिर्च ली हूँ, ये फूल चकरी है जिसे स्टार एनिस भी कहते हैं, इसे मैं तोड़ ली हूँ, ये जावित्री है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है, पैन गर्म हो गया है, अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। फूल चकरी, जावित्री, जिंजर डालकर मैं एक मिनट के लिए इसे सॉटे कर लूँगी। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, हल्का सुनहरा होने तक इसे भून लूँगी। अब मैं इसमें पाइनएप्पल ऐड कर रही हूँ, इसे भी अच्छे तरीके से मिलाऊंगी। अब मैं इसमें मिर्च, गुड़, और नमक स्वाद के अनुसार डालूंगी। इसे मैं 5 मिनट के लिए पकने छोड़ दूंगी ढककर। चेक कर लेती हूँ, ये देखिए कलर चेंज हो गए हैं। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ, और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिलाऊंगी और ये बन जाएगा। इसमें खट्टे मीठे तीखा स्वाद मिलेगा इस राइस में, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए देखने में कितने बेहतरीन लग रहे हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए इसे चलाती रहूँगी। ये लीजिए अब ये बन गए हैं। अब मैं इसकी पैकिंग कर लेती हूँ। ये लीजिए बनकर तैयार है पाइनएप्पल राइस। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे।